हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर। इस चैप्टर में हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर क्या होता है, नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं, बहुत सारे नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, नंबर का प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, उसका फेस वैल्यू क्या होता है किसी भी नंबर का, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इंडियन सिस्टम में हम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, उसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, फिर इंटरनेशनल सिस्टम में जो नंबर लिखने का है उसका क्या रूल है, उसका कॉमा हम कैसे लगाते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नंबर का डेली की लाइफ में बहुत यूज है। अगर दुकान जाते हैं तो हमें कितना अमाउंट में कोई मटेरियल लेना है या कितना पीस में हमको कोई मटेरियल लेना है, ये भी हमें नंबर में बताना पड़ता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, ये भी बताने के लिए नंबर का यूज करते हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपका क्लास में कितना रैंक है, ये भी बताने के लिए नंबर का यूज करते हैं। आप अभी 6 क्लास में हैं तो 6 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है। अब नेक्स्ट ईयर किस क्लास में जाएंगे तो ये भी बताने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं। जैसे 7 क्लास में जाएंगे, ये सभी नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, वही 57 ये डबल डिजिट नंबर है। तो 6 हो गया सिंगल डिजिट नंबर, 7 भी हो गया सिंगल डिजिट नंबर, ये डबल डिजिट नंबर हो गया, फिर 6, 5, 7 ये ट्रिपल डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, ये हो गया सिंगल, ये डबल, ये 3, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर होता है, नंबर का कोई लिमिट नहीं होता है। तो हमारे पास जो नंबर होता है वो मेनटेन ही नंबर होता है, उसी का यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, नंबर का कोई लिमिट नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा 10 नंबर है जिसका यूज करके हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। तो वो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 जो नंबर है वो मेन नंबर है। मेन नंबर हमारे पास वही 10 नंबर है, 0 से लेके 9 तक। इसी नंबर का यूज करके हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। जैसे 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10। तो क्या 10 में कौन कौन सा डिजिट है, 1 और 0, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 0 है, कोई नया डिजिट नहीं हम यूज करेंगे। इसी 9 जो डिजिट है उसी का यूज करके हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं। जैसे 25 में क्या क्या डिजिट है, 2 और 5। तो हम देखेंगे कि इस बॉक्स में 2 और 5 है या नहीं, 2 भी है 5 भी है। फिर बहुत बड़ा नंबर जैसे 7, 6, 8, 4, 5, 3, 2, 1, 0, 5, 9, इतना बड़ा नंबर है, इसमें भी सभी डिजिट इसी बॉक्स में जो डिजिट है 10 उसी डिजिट से लिया गया है। जैसे 7 यहाँ भी 7 है, 6 यहाँ भी 6 है, 8 यहाँ भी 8 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी डिजिट है ये इसी 10 डिजिट से लिया गया है। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर आप बनाइए तो ये इसी 10 डिजिट से बनेगा, 0 से लेके 9 तक के डिजिट से। तो इसे हम बोलेंगे मेन नंबर। तो मेन नंबर हम समझ गए कि 0 से लेके 9 तक के नंबर होता है मेन नंबर। इसी के हेल्प से हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए नेचुरल नंबर को भी हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट का साइन है। इनफाइनाइट को इस साइन से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वही होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर बोलते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में जीरो से लेके सारा पॉजिटिव नंबर आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है। तो इंटीजर में नेगेटिव जितने भी नंबर हैं माइनस वन से लेके इनफाइनाइट तक वो भी आता है, जीरो भी आता है और वन से लेके इनफाइनाइट तक के भी पॉजिटिव नंबर आते हैं। ये सारे नंबर को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक, इधर माइनस वन, माइनस टू से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, इस नंबर को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो टू का मल्टीपल हो या टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आए, उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, ये सब नंबर टू का मल्टीपल है और इस सब नंबर को टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। तो इस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो टू का मल्टीपल नहीं है और जिसे टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, उस नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर। थ्री, थ्री को जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आता है, इसीलिए इसे हम ऑड नंबर कहते हैं, ये टू का मल्टीपल नहीं होता है। थ्री हो गया, नाइन हो गया, एलेवन हो गया, ये सब नंबर ऑड नंबर होता है। तो हमने जाना कि हमारे पास जो मेन नंबर है वो जीरो से लेके नाइन तक के टेन नंबर जो है वो मेन नंबर है और उसी नंबर के हेल्प से हम बहुत सारा नंबर बना सकते हैं। इन्फिनिटी तक का नंबर हम उसी नंबर के हेल्प से या रिपीटेशन से हम बनाते हैं। नेक्स्ट हमने जाना कि नंबर का कौन कौन सा टाइप है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसे हम होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट देखा इंटीजर, इंटीजर में सारे नंबर आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और सारा पॉजिटिव नंबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाता है। फिर निगेटिव नंबर भी माइनस वन से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखा इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो टू का मल्टीपल हो, जिसे टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आए, उस नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। और लास्ट देखा ऑड नंबर, ऑड नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसे टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो ना आए और जो टू का मल्टीपल ना हो, उस नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कंपेयरिंग ऑफ नंबर, नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है 84 और कोई नंबर है 845, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंपेयर करते समय हमें कुछ रूल का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम जिस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, दो नंबर या तीन नंबर, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो सारे नंबर कितने डिजिट के हैं। जो सबसे कम डिजिट के होंगे वो सबसे छोटा नंबर होगा और जो बहुत बड़ा डिजिट का होगा, जो बड़ा डिजिट होगा वो बड़ा नंबर होगा। जैसे इसमें देखिए ये टू डिजिट नंबर है और ये थ्री डिजिट, तो थ्री डिजिट वाला नंबर टू डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। तो हम ये साइन ऐसे खोलेंगे, जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू दूसरे नंबर के तो वो साइन उधर खुलेगा और जो नंबर छोटा होगा ये उधर क्लोज हो जाएगा। तो हमने पहला रूल देखा कि अगर नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि वो जो नंबर है वो कितने डिजिट का है। जो कम डिजिट नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा और जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दोनों नंबर में हमें कंपेयर करना है तो हम देखेंगे कि ये नंबर कितने डिजिट का है और ये नंबर कितने डिजिट का है। तो ये नंबर थ्री डिजिट का है और ये वन टू थ्री फोर, ये फोर डिजिट का है। तो फोर डिजिट वाला नंबर थ्री डिजिट वाले नंबर से ज़्यादा बड़ा होगा तो ये साइन इधर खुलेगा। तो पहला रूल हमने देख लिया कि नंबर को काउंटिंग करते समय हमें नंबर का डिजिट देखना है, जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर होगा वो कम डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दोनों नंबर का डिजिट सेम हो तो क्या करेंगे।
इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे पहले कि इस ये नंबर कितने डिजिट का है, तो ये नंबर भी टू डिजिट का है, फिर ये नंबर भी टू डिजिट का है, तो फर्स्ट रूल तो फेल हो गया। तो हमको दूसरा रूल पे ध्यान देना है। दूसरा रूल ये है कि अगर जो नंबर को कंपेयर करते हैं वो सेम डिजिट का हो तो हमें दूसरे रूल पे जाना है, उस नंबर का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करना है। तो इस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, 7 है। इस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 7 और 8 में 8 इज ग्रेटर दैन 7, तो इसीलिए 84 74 से बड़ा होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दोनों नंबर में सबसे पहला रूल ये है कि हमें नंबर ऑफ डिजिट चेक करना है। तो ये भी 4 डिजिट है और ये भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है। पहला रूल तो इसमें फेल हो गया। तब हमें दूसरा रूल देखना है कि इस नंबर का फर्स्ट डिजिट और इस नंबर का फर्स्ट डिजिट में कौन सा डिजिट बड़ा है। तो इस नंबर का फर्स्ट डिजिट 9 है, इस नंबर का फर्स्ट डिजिट 6 है, तो ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 9 बड़ा है 6 से, तो इसीलिए ये नंबर जो है इस नंबर से बड़ा होगा। तो ये साइन इधर खुलेगा, जो बड़ा होगा उधर ये साइन खुलेगा और जो छोटा होगा ये क्लोज हो जाएगा। देखते हैं, इस दोनों नंबर में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कितने डिजिट नंबर है, तो ये 5 डिजिट नंबर है और ये भी 5 डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट रूल तो फेल हो गया, तो हमें सेकेंड रूल पे जाना है, इसका फर्स्ट डिजिट चेक करना है। इसका फर्स्ट डिजिट 7 है, इसका भी फर्स्ट डिजिट 7 है। अगर फर्स्ट डिजिट सेम आए तो हमें सेकेंड डिजिट पे जाना है। इसका सेकेंड डिजिट 3 है और इसका सेकेंड डिजिट 2 है, तो 3 और 2 में हमें कंपेयर करना है। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसीलिए ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा होगा, तो ये साइन इधर खुलेगा। तो हम समझ गए कि नंबर को कंपेयर करते टाइम हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला बात ये है कि जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं उसका पहले डिजिट देखेंगे, जिसका डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा और जो कम डिजिट वाला नंबर होगा वो छोटा होगा। अगर दोनों नंबर सेम डिजिट का हो तो हमें दूसरा रूल अप्लाई करना है। दूसरा रूल ये है कि उस नंबर का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे 73459 है, तो उसका फर्स्ट डिजिट 7 हुआ और इसका भी फर्स्ट डिजिट 7 है, तो ये कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट सेम आ जाए तो हमें सेकेंड डिजिट पर जाना है, फिर हमें 3 पे जाना है। अगर 3 वाला भी अगर सेम आ जाए तो हमें थर्ड डिजिट पर जाना है। ऐसे ही करके हमें बढ़ते जाना है। तो ऐसे ही हम नंबर को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग ऑफ नंबर से एनसीईआरटी से ये 5 क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, एक में जैसे 5 नंबर है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहला रूल है कि हमें नंबर का जितने भी नंबर दिए गए हैं निकालने के लिए कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट, तो उसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट चेक करना है नंबर का। तो ये है 4 डिजिट नंबर, ये है 5 डिजिट नंबर, ये है 3 डिजिट नंबर, ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर है और ये 1 2 3, ये 3 डिजिट है। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कम डिजिट का होगा, तो इसमें मैक्सिमम 5 डिजिट का है और मिनिमम 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट में 2 नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों सेम डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट का चेक करेंगे, तो स्मॉलेस्ट में सबसे कम 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट में ये दोनों नंबर आता है। अब सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे कि उस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है। तो इसका फर्स्ट डिजिट 1 है, इसका फर्स्ट डिजिट 3 है, तो 1 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा, तो छोटा होगा 1 और 3 बड़ा होगा, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हो गया 100, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 100। तो इस क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर हो गया 100। अब हमें सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए हमें जो सबसे बड़े डिजिट का होगा उसको चूज करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 डिजिट का यही नंबर है, इसके बाद 5 डिजिट का कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर इस क्वेश्चन का ये हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम लिखेंगे 8 9 4 2 3, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कितने डिजिट का है। तो ये नंबर कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का, ये नंबर है 5 डिजिट का, ये नंबर है 3 डिजिट का, ये भी है 4 डिजिट का, ये भी है 3 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट में सबसे कम 3 डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट में 2 नंबर है, तो ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस दोनों नंबर में फर्स्ट डिजिट किसका ज़्यादा छोटा है और किसका बड़ा। तो इस नंबर में फर्स्ट डिजिट 1 है, इसमें 4 है,
तो 4 बड़ा होगा और 1 छोटा होगा, तो इस दोनों नंबर में ये नंबर छोटा होगा, तो सबसे बड़ा छोटा नंबर कौन सा हुआ, 111, ये सबसे छोटा नंबर हुआ। अब देखेंगे सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर देखने के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट 5 वाला है, तो सबसे बड़ा नंबर यही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा 5 डिजिट नंबर नहीं है, तो सिर्फ यही है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर में लिखेंगे 7, 5, 2, 8, 4। ऐसे नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट, इस नंबर में कितना डिजिट है 4, इस नंबर में कितना डिजिट है 4, इस नंबर में कितना डिजिट है 4, इस नंबर में कितना डिजिट है 5, इस नंबर में कितना डिजिट है 3। अब चेक करेंगे कि कौन सा सबसे कम डिजिट वाला नंबर है, तो ये है सबसे कम डिजिट वाला नंबर, तो ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये तो ईजी था, ये हो जाएगा 1, 2, 4 स्मॉलेस्ट नंबर। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिजिट वाला कौन सा नंबर है, तो ये 5 डिजिट वाला ये नंबर है, दूसरा तो कोई 5 डिजिट का नहीं है, 4 डिजिट का है, तो 5 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ऐसे ही करके ये दोनों क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं ये इसी पैटर्न पे बनेगा, जो जिसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, तो हम कंपेयरिंग नंबर सीख गए कि किसी भी नंबर में जैसे 4-5 नंबर दिया हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले उस नंबर का हम डिजिट चेक करेंगे जितने भी नंबर दिए गए हैं, जो सबसे कम डिजिट वाला नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट का होगा वो बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर सभी नंबर सेम डिजिट का हो तो हमें उस नंबर का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करना है, अगर फर्स्ट डिजिट भी सेम हो तो सेकेंड डिजिट कंपेयर करना है, ऐसे करके हम नंबर का कंपेयरिंग करते हैं। आगे का टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। बहुत सारा नंबर अगर दिया हो तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग मतलब ही होता है कि नीचे से ऊपर चढ़ना, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना, लोअर से हायर की तरफ जाना, या जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ पढ़ते हैं, जैसे ऐसे से ऐसे, मतलब यहाँ से सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, सब फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे करके हम ये जो ऊपर की ओर बढ़ता है ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए एक क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कोई नंबर है जैसे 10, ये जो पांचों नंबर है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे छोटा है, उसके बाद जो उससे बड़ा है, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा है, और सबसे बाद में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, वो लिखाएगा। जैसे नीचे से ये ऊपर चढ़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा, जो सबसे नीचे पहले होगा जो सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा, उसी को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो पांचों नंबर है उसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम कौन सा नंबर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो नंबर सबसे छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 6, फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद कौन सा नंबर आता है 10, उसके बाद 13, उसके बाद 15, 15 जो है इस पांचों नंबर में सबसे बड़ा है, और 5 जो है इस पांचों नंबर में सबसे छोटा नंबर है, ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। और 15 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर।
तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। पहला क्वेश्चन है, इस छह नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। तो ये छह नंबर में सबसे छोटा नंबर टू है, तो हम टू लिखेंगे। उसके बाद टू से बड़ा नंबर कौन सा है, तो फाइव है। उसके बाद फाइव लिखेंगे। उसके बाद फाइव से बड़ा नंबर कौन है, नाइन है, तो नाइन लिखेंगे। फिर नाइन से बड़ा नंबर कौन है, एलेवन है, एलेवन लिखेंगे। फिर उससे बड़ा फिफ्टीन है और सबसे बड़ा ट्वेंटीन है। तो इस तरह से हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद जस्ट थोड़ा बड़ा, सबसे बाद में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। उसी को, उसी ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम जान गए कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा, फिर आगे की तरफ बढ़ते जाना है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हम असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिक्रीज होते हुए, पहले हम उस नंबर को लेंगे जो सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके पहले सबसे बड़ा लेंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे। असेंडिंग में हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में हम नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे हम आएंगे। डिसेंडिंग में हम ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, असेंडिंग में हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये ऊपर की तरफ जाना असेंडिंग हो गया, ये हो गया असेंडिंग। इसमें हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे से, जो सबसे कम छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर। ये असेंडिंग ऑर्डर का ग्राफ है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर का ग्राफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते थे सबसे छोटा नंबर, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर। वही डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे बाद में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का, जैसे 20 नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 90। तो सबसे पहले लिखेंगे 90। उसके बाद कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 75। तो उसके बाद लिखेंगे 75। उसके बाद उससे छोटा नंबर है 70। उसके बाद है 50। उसके बाद है 40। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 40, और सबसे बड़ा नंबर 90। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट। फिर ग्रेटेस्ट से हम कहाँ गए, स्मॉलेस्ट की तरफ। इसमें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा,
आज के क्लास में हमने सीखा कि मेन जो नंबर है हमारे पास वो 0 से 9 तक के 10 नंबर ही है मेन नंबर। उसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारा नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने सीखा कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर होल नंबर क्या है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को होल नंबर बोलते हैं। फिर इंटीजर क्या है, तो इंटीजर में हमने देखा कि 0 जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से इन्फिनिटी तक, और जितने भी नेगेटिव नंबर -1 से -इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर इंटीजर नंबर में आते हैं। फिर हमने देखा इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर है जो 2 का मल्टीपल हो, या जैसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, उस नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। फिर अगला देखा ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता है, उस नंबर को जब 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, उस वैसे नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। फिर हमने देखा कंपेयरिंग नंबर, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, तो नंबर को कंपेयर करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि नंबर कितने डिजिट का है, कोई नंबर 5 डिजिट का है या कोई नंबर 4 डिजिट का है, तो 5 डिजिट वाला नंबर 4 डिजिट से ज़्यादा बड़ा होंगे। फिर अगर डिजिट सेम हो तो उस नंबर का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट भी सेम हो तो सेकेंड डिजिट कंपेयर करेंगे, ऐसे करके हम नंबर का कंपेयर करेंगे। फिर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग मतलब ही होता है ऊपर की ओर चढ़ना, तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे, ये ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर। फिर हमने देखा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे की ओर जाना, मतलब घटना, तो उस ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करके लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे बाद में सबसे छोटा, तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे करके अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ नंबर।